Editorial Analysis. Well, guys, you are watching Urdu 247 and I am Saurabh Day. So, first of all, here are the headlines of the R. The first one is online purchase of sand comp is compulsory from June 1. बिल्कुल तो basically आपको एक तारीख दिख रही होगी. उस तारीख से जो है, online purchase of sand बिल्कुल compulsory कर दिया गया है government के द्वारा. दूसरी बात ये guys कि Odisha ंग टू सेट अप ब्लड बैंक फॉर कैटल बिल्कुल तो जो उड़ीसा है देखिए वो बहुत ही जल्द जो है ब्लड बैंक सेटल स्टार्ट करने वाली है कैटल के लिए तीसरी बात लाइन इज मुकेश अंबानी ट्रू सैलरी ऑफ रुपीज फिफ्टीन करोड़ फॉर नाइन्थ स्ट्रैटेजिक नाइन्थ स्ट्रेट ईयर इन रो तो इनफैक्ट तो मुकेश अंबानी जी की जो सैलरी है वो पंद्रह करोड़ रही है लगातार नवे साल के लिए और आप लोग चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले वेल एनी वेज नाउ देखो अगली बार ये इंडिया अलाउड सेलेक्ट कमोडिटी एक्सपोर्ट टू मैलव बिल्कुल तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दट इंडिया फाइनली अलाउड सेलेक्टेड सेलेक्ट यू कैन से फ्यू सेलेक्ट कमोडिटी एक्सपोर्ट टू मालदीव देन अगली बात ये दैट सिक्स न्यू मैड्रास हाई कोर्ट जजेस द करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन हिंदू टूमोरो मॉर्निंग नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ ट्वेंटी जून फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है आज के आर्टिकल में हम लोग ट्वेंटी सेवन जून ट्वेंटी के आर्टिकल मंडे ट्यूजडे वेंसडे इन तीनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको कवर करेंगे साथ ही में जो ऐसे आर्टिकल है जिनको कि हम यहां नहीं कवर कर पा रहे हैं लेकिन जो भी अदर आर्टिकल फॉर रिव्यू है उस पे भी विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन एंड ये वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ न्यू वर्ड एंड वील ऑल्सो गेम इन फैक्ट है A quiz based on the vocabulary words. आज का जो यहां क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टुडे आई ऑन क्वेश्चन सो प्लीज आंसर रियली वेल नाउ हुज़ प्रिविलेज देखो भाई ये जो आर्टिकल है दिस इज रिगार्डिंग अफ कर्नाटका असेंबली तो क्या है कर्नाटक कर्नाटका असेंबली ने असल में क्या किया था उन्होंने जेल जो है जेल टर्म और फाइन इंपोज कर दिया था दो एडिटर्स के ऊपर क्योंकि उन दो एडिटर्स ने अपने न्यूज़पेपर में कर्नाटका असेंबली की क्रिटिसिज्म करी थी यू नो सो परहैप्स कर्नाटका असेंबली यू नो द लेजिस्लेचर वन By the way, they imposed a fine and also jail term on two editors of a newspaper because they had allegedly criticised Karnataka Assembly. Okay, so this is regarding article. Now let's take a look. So the Karnataka Assembly's resolution imposing a one-year prison sentence and rupees ten thousand fine on the editors of two tabloids is indefensible and deserving of an unsparing criticism. तो कर्नाटका असेंबली ने ये जो काम किया है कि उन्होंने दो एडिटर्स के ऊपर दो अलग टैबलेट्स के एडिटर के ऊपर उन्होंने एक साल का प्रिजन सेंटेंस ठोक दिया है और साथ ही में दस हजार का फाइन भी ठोक दिया है इस पर्टिकुलर फैसले की कर्नाटक असेंबली की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है क्योंकि असेंबली का काम हरगिज भी कोर्ट के जैसे डिसीजन लेना नहीं होता है असेंबली एक पब्लिक बॉडी है और उसको सब क्रिटिजम ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए और यह काम तो हरगिज नहीं करना चाहिए था गाइस कर्नाटका असेंबली हैज डन अ रियली शेमफुल एक्ट बाय इंपोजिंग बाय इंपोजिंग अ जेल टर्म इन फैक्ट फॉर टू एडिटर्स ऑफ डिफरेंट एपलॉयज एंड आल्सो नॉट ओनली दैट दे हैव आल्सो इंपोज्ड अ फाइन ऑफ 10000 ईच ऑन दीस टू एडिटर्स नाउ दिस दिस Is a really shameful act, and this is actually a blot on our democracy because a legislative body that's like a legislative assembly must have, you know, it must have the courage to face criticism and also the mindset of getting the, or taking the positive from such criticism now let's move forward the Constitution confers certain privileges on legislative institutions with the idea of protecting freedom of free, freedom of speech and expression in the house and ensuring that undue influence pressure or coercion force is not brought on the legislature in the course of its functioning तो किसी भी देखो सी लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ठीक है तो जो भी लेजिस्लेटिव होती है जो विधानसभा बेसिकली होता है ये एक संवैधानिक बॉडी है और इसीलिए संविधान ने इसको कुछ शक्तियां भी दी हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए लेकिन कहीं भी संविधान ने जो है ये नहीं कहा है कि आप असंवैधानिक रूप से या फिर कह सकते हो आप क्योंकि आप Uh, किस कोई आपकी आलोचना कर रहा है या कोई बेसिकली ए लॉजिकल या कोई आपके फैसलों की आलोचना कर रहा है तो आप उसके ऊपर यह जबरदस्ती मुकदमा लगा दोगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके बावजूद हमारे जो कर्नाटक असेंबली है उन्होंने ये काम किया है सो गाइस द कॉन्स्टिट्यूशन यू नो सिंस नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ गवर्नमेंट बॉडी इट्स एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द लेजिस्लेटिव असेंबली सम राइट्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ यू नो अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स बट देन

अब देखो अगले बार देखते हैं यहां पर अनफॉर्चुनेटली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज इनवोव फॉर द ऑस्टेंसिबल और सपोज्ड रीजन ऑफ प्रोटेक्टिंग द इमेज ऑफ द हाउस ऑन द होल और इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स अब देखा जाए भाई यहां पर जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ब्रीच ऑफ प्रिवलेज को क्यों यहां पर यूज किया गया था क्योंकि कहना यह है कर्नाटक असेंबली का यह मानना था कि जो दो आर्टिकल्स जो ओ, दो आर्टिकल्स में यहां बात इनसे सॉरी जो आर्टिकल्स निकाले थे इन बंदों ने एडिटोरियल जिसके जो एडिटर्स जो जिन पे जेल हुई है तो ये जो दो एडिटर्स जो जेल हुई है इन्होंने ऐसे आर्टिकल्स लिखे थे जिससे कर्नाटका असेंबली की इमेज खराब हुई थी और इस इमेज खराब होने के चक्कर में या फिर कर्नाटका असेंबली की इमेज एज अ होल या फिर किसी लेजिस्लेटिव पर्टिकुलर एक सिंगल लेजिस्लेटिव की इमेज अगर खराब होती है तो उसके पास इतना राइट right है कि वो ऐसा पनिशेबल ऑफेंस जो है लगा सके ऐसा सजा दे सके सो गाइज यू नो नार्चुनेटली द रीज़न वाई कर्नाटका असेंबली हैज़ यू नो हैज़ एम्पोज दिस फाइन एंड जेल टर्म ऑन दीज टू एडिटर्स इज द रीजन गिवन बाई दैम इज दैट यू नो दीज टू एडिटर्स दे try to malign our name and we are uh, we have the full right to protect our uh, malignation as a house or as an individual members now without a law codifying the legislative privileges there is little merit in subjecting anyone leave alone a journalist to penal action for allegedly breaching a legislator's privilege unless there is a move or attempt to obstruct the functioning of either the house or its members Dekha jaye bhai, तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर नियम कानून नहीं बनाया गया है हमारे पूरे संविधान में जहाँ पर यह लिखा हो कि पर्टिकुलर जो भी हाउस है वो अपना कोई पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज जो अपना कोई पर्टिकुलर अधिकार जो है एक्सरसाइज कर सकता है ऐसे सच केस में जहाँ पर किसी जर्नलिस्ट ने जो है उसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो वहां पर वो उनको पनिश कर दे ऐसा कोई भी लॉ नहीं लिखा है वरना मेरे ख्याल से दो तीन Uh, बरखा वाले जर्नलिस्ट तो है ही जो उनको अब तक जेल हो गई होती अगर सच में ऐसा कोई लॉ होता तो लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है और हाँ जब तक जब तक किसी असेंबली की वर्किंग ना रुक जाए या फिर उसके किसी पर्टिकुलर मेंबर की वर्किंग ना रुक जाए तब तक ऐसे पर्टिकुलर एक्शंस नहीं लेने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर असेंबली को यू नो सो दे इज एक्चुअली नो पर्टिकुलर लॉ दैट इज दैट क्लियरली ड्राफ्ट्स और दैट क्लेरिफाइज द राइट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर असेंबली यू नो of any particular assembly which is able which is uh, you know of uh, there's no particular right given to any particular assembly which can actually uh, what do you say which can actually punish a particular journalist or any particular person for uh, what do you say for criticizing the action of any particular member or you know or the or the assembly as a whole now, had there been had there been such law, then I think a lot of journalists, by the way, especially the Lutons Delhi one, they would have got punished a long time ago. And India wants to know would we would know the effect as well. But anyway, thankfully, there is no such law which actually interferes with freedom of speech. Although a few people keep shouting that. Anyway, however, let's see. The thing is that unless there is a, unless there is a hurdle in the functioning of the house or. Uh, unless there is a hurdle in the functioning or uh, the functioning of any particular member in the house, such acts that has been done over here by Kanaka Assembly, it should not have been done anyway. सो आई होप गाइस कि आप लोगों को इस आर्टिकल का थीम समझ में आ गया होगा यू हैव बीन एबल टू ग्रैब द थीम टू ग्राप द कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल नाउ इफ यू वांट टू रीड दिस आर्टिकल मोर एंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इट्स थीम बेटर देन यू कैन यूज द एडिटोरियल पीडीएफ लिंक गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके अंदर जो है लिंक दिया हुआ है बेसिकली हिंदू एडिटोरियल पीडीएफ लिंक करके वहां पर क्लिक करिएगा तो उसको क्लिक जब आप करोगे तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग डेट्स के पीडीएफ पीडिया, को करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है तो उससे आपको और अच्छा हो जाएगा ऑस्टेंसिबल so का क्या होगा आपके हिसाब से यू गर्टी से Twenty seconds more, guys. What's the answer? Last ten seconds. Well, the time is up now as we are proceeding as we are proceeding with the hindu editorial over here i could see a few comments which are saying which are like sir uh, how to understand the editorial of a, of the hindu what the hell are we doing over here guys <laughs> exactly so you need to listen अगर कुछ लोगों को तो क्या है ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी सोशल लाइफ में कोई आ, कोई स्पार्क तो है नहीं तो हैव अ स्पार्कलेस सोशल लाइफ तो लोग क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं कि कमेंट सेक्शन में साली अपने सोशल लाइफ सोशल लाइफ निकाल डाले वो यहीं सारे दोस्त दोस्त भाई बहन सब यही बना डालें ठीक है तो देखो भाई अगर आपको यहाँ पर भाई बहन बनाने हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपके भाई बहन जो आप अभी आपको लग रहा है कि आपके भाई बहन बन रहे हैं और फ्रेंड्स बन रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और आप भाई बहन बनाते रह जाएंगे ठीक है सो डोंट डू दिस जस्ट आंसर वेन इट्स रिक्वायर्ड एल्स स्टॉप यूजलेस कमेंटिंग वरना इससे आप ही का नुकसान है मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा कुछ नहीं करूंगा इससे आप ही का नुकसान है ठीक है सो डोंट डू दैट नाउ लेट्स टेक लुक एट आंसर एंड आंसर इज वेलेट ऑप्शन नंबर वन पेरेंट नाउ गाइस देखो क्या चीज है जो ऑस्टेंसिबल है

ओके इनफेक्ट नॉट नॉट नेक्स्ट पार्ट ऑफ़ ने आर्टिकल राधा अदर आर्टिकल्स फॉर रिव्यू ऑफ ट्वेंटी ऑफ जून तो 26 जून को ये भी अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो कि दिए होंगे जो कि आपको मिल जाएंगे एडिटोरियल पीडीएफ लिंक का यूज करते हुए पहला है न्यू कलर्स ऑफ द व्हाइट हाउस देखो ये इंडिया uh, यूएस के रिगार्डिंग था और अब तो क्योंकि वो घटना पीछे जा चुकी है तो अब इसको पढ़ना का कोई सेंस नहीं बनता है देन लास्ट विकेट स्टैंड वेल दिस इज रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यू नो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बींग स्मार्ट नाउ देखो ये एक अच्छा आर्टिकल है दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल आर्टिकल डू रीड दिस ये एक अच्छा आर्टिकल है नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटेस्ट डिसेंट तो देखो ये इज अगेन यूजलेस वन ये सोशल मीडिया पे कौन क्या प्रोटेस्ट कर रहा है और पब्लिक मूवमेंट क्या हो रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए ये आपके लिए काम के नहीं है ये आपका आई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट आपके काम का नहीं है यह नेक्स्ट इज रैंको इज

अफ्रेड ऑफ न्यूट्रोइनो तो गाइज ये जो आर्टिकल है ये एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर साइंटिफिक किस्म का आर्टिकल है, ऑल ऑफ यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल आफ्टर आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर शो इस शो को पूरा करने के बाद आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा ये बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्यूटिफुल किस्म का आर्टिकल है नाउ लेट्स टेक एट द नेक्स्ट वन प्लीज

वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था इनफैक्ट साइंस में भी जो असली दबदबा था वो कैथोलिकन जो उनका मेन चर्च था वेटिकन वाला उसी का माना जाता था ठीक है तो अगर मतलब जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि कई बार देखो है ना रिलीजियस व्यूज हमेशा से रहे हैं बहुत सारे रिलीजियस बिलीव बहुत सारे रहे हैं दुनिया में बहुत सारे बिलीवर्स हैं अलग अलग फेथ के लोग हैं तो हर किसी का बहुत सारा बिलीफ रहा है लेकिन जो चर्च है एक टाइम पे लाइक सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी में उनका बहुत ज्यादा दबदबा था मतलब इतना दबदबा था कि अगर कोई बंदा लॉजिक की बात करता तो उसको मतलब सजाए मौत देने का पूरा अधिकार था चर्च का और चर्च ने कई बार दिया भी था गलीलियो वो बंदा था जो कि चर्च के सामने ये प्रूव करने गया था देखो चर्च का ये बिलीव था कि अर्थ बीच में है और सन एंड मून उसके चक्कर लगाते हैं और इस चीज को अपोज करने गया था गलीलियो ठीक है उस टाइम पर उस टाइम पर चर्च ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था लेकिन असलियत में देखा जाए तो आज के टाइम पे हम समझते हैं इंपॉर्टेंस गलीलियो का लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज के टाइम पे गल्यूलियो के तो बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं लेकिन वो सेजेस वो साइंटिफिक लोग जो हमारी कंट्री में होकर फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत पहले ये ढूंढ चुके थे कि अर्थ के आसपास सन एंड मून ही घूमती है सॉरी अर्थ जो तो ये ढूंढ चुके थे कि सन के आसपास अर्थ और मून घूमता है उनको शायद हम लोग नहीं जानते हैं बट यू नो एक्चुअली में देखा जाए तो आप लोग खुद देख लीजिएगा जहां तक बात है प्लैनेट्स की मैथमेटिक्स की एंड साइंसिस की इंडियंस हैड नोन ऑल ऑफ दिस अ लॉन्ग सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम तो खैर वो दूसरी बात है वेल यहां पर हम देखें तो गलीलियों ने देखो क्या चीज है गली ने चार जनवरी जन्वर, जनवरी की सोलह सोलह दस में इनफैक्ट सिक्सटीन टेन ये नो इन जनवरी टेन उसने बहुत कायदे से जो है ढूंढ के निकाल लिया था कि जुपिटर के आसपास चार छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं आप सोच लो जुपिटर इज वेरी फार बहुत दूर है जुपिटर और अगर उस टाइम पे गलीलियो वो बंदा था जिसने टेलीस्कोप बना लिया था ऐसा कि जिससे वो जुपिटर तो देख सकता है तो मतलब ये बड़ी बात थी यार उस टाइम पर आई स्टिल लो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अभी तक ठीक से कंचो वाला टेलीस्कोप नहीं बना सकते हैं तो सोचो सोलह सौ दस में गलीलियों ने मतलब गलीलियों ने एकदम सीधे जुपिटर वाला बना लिया टेलीस्कोप है

Uh, ये जो चार डॉट्स उसको दिखे थे ना जुपिटर को उसको लगा ये चार डॉट्स तो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं यानी कि जरूर ये उस जुपिटर के आसपास मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि अगर किसी प्लैनेट के आसपास कुछ मूव कर रहा है डॉट फॉर्म में तो वो उसका सैटेलाइट हुआ यानी कि वो उसका नेचुरल सेटेलाइट या फिर मून हुआ सो गाइज देन लेटर ऑन

द लाइट फ्रॉम द मून्स ऑफ जुपिटर वॉज ऑलवेज फॉलिंग ऑन अर्थ देखो क्या चीज है आज हमारे पास हबल टेलीस्कोप है और एक से एक सुपर मॉडर्न एंड एक्सट्रीमली पावरफुल टेलीस्कोप है जिसके जरिए इनफैक्ट हम लोग बहुत दूर की जो आकाश गंगाएं हैं उनकी भी इमेजेस ले लेते हैं इनफैक्ट हमारे पास इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो आज से मिलियंस बिलियन ट्रिलियन साल के पहले इनफैक्ट जिसके जरिए बोलते हैं कि यूनिवर्स फॉर्म हुआ था उसके भी जो कुछ अवशेष हैं वो भी हम लोग ढूंढ लेते हैं अपने इस ब्रह्मांड में इस अनंत ब्रह्मांड में इन टेलीस्कोप का यूज करते हुए साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है जो जुपिटर के चार बड़े बड़े मून्स हैं इन मून्स की लाइट हमेशा से अर्थ पे पड़ती आई थी यू नो सी द थिंग इज़ दैट टुडे वी हैव गॉट सम रियली वेरी स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप एंड इन फैक्ट आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर एबल To get the images of very far galaxies as well, you know what? And in fact, they are so powerful that they are also able to get us some, uh, you know, to get us some remnants of the very important Big Bang Theory that happened a telescope So, guys, it was actually it actually took a telescope, a particular telescope was used to detect it because it was very weak. This light of uh, the moons of the Jupiter, you know, it was very weak. Or isko Asani say. and was not ably uh, you know it was not easily seen by the naked eye and interesting things telescopes or bahut hi interesting cheez kya hai telescopes now they observe something that is already there now they do not produce what they observe अब interesting चीज क्यों कहा गया है यहां पर telescopes को Because telescopes वो चीज है जो कि देखा जाए तो उन चीजों को observe करती है जो कि पहले से ही वहां पर मौजूद है कोई नई चीज नहीं, नहीं लेके आती है टेलीस्कोप अच्छा शायद यहां पर कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो कोई बात नहीं मैं आई गिव यू अ क्विक रिव्यू देखो इन द फर्स्ट लाइन रिश्ते देखो क्या चीज है जो आ, ये जुपिटर के जो, जो मून्स थे ना इनकी लाइट लगातार धरती पर गिरती आई थी लेकिन ये हमको नहीं पता था क्योंकि बिना टेलीस्कोप को ये देखना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि आप यू नो नेकेड आय से नॉर्मल आय से उसको नहीं देख सकते और नहीं समझ सकते हैं यू नो सो परहैप्स वी वर नॉट एबल टू सी द मून द लाइट ऑफ द मून ऑफ जुपिटर अनलेस वी वी हैड टेलीस्कोप बिकॉज यू नो द लाइट ऑफ द मून ऑफ जुपिटर द लाइट ऑफ द मून ऑफ जुपिटर यू नो दे वर रियली वेरी दैट्स रियली वेरी फीबल और वीक एंड दैट्स कुड नॉट बी सीन विद द नेकेड आई नाउ

बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है टेलीस्कोप क्यों क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं बना देती है बल्कि जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है ये जो है उसी को आपके सामने लाके रख देती है ना अब आगे समझते हैं हम लोग जस्ट लाइक लाइट देयर आर टू अदर थिंग्स दैट लाइक लाइट कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसिस इन द यूनिवर्स देखो क्या चीज है जैसे लाइट जो है बहुत ही लंबी दूरी तक बेसिकली जा सकता है वैसे ही दो चीजें हैं वैसे ही दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल लाइट के जैसे ही बहुत लंबी दूरी तक जा सकती है वो भी बहुत कम टाइम में जा सकती है यू नो जस्ट लाइक लाइट कैन ट्रैवल टू फार प्लेसेस इन लेस टाइम देर आर सम मोर थिंग्स यू नो दैट कैन गेट टू ग्रेट डिस्टेंसिस इन नो टाइम एंड दे कैन बी यूजफुली ऑब्जर्व और देख लिए देखा जाए और इसीलिए इस चीज़ को हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड दैट्स दे कैन बी ऑब्जर्व एज वेल नाउ द फर्स्ट ऑफ दीज आर ग्रेविटेशनल वेव्स तो जो पहली लाइट की जैसी जो दो चीजें हैं उनमें से जो पहली चीज है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। नाउ डेफिनेटली टू थिंग्स दैट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन नो टाइम लाइक लाइट आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस और दूसरी चीज क्या है वो जानने के लिए यू विल हैव टू यूज द एडिटोरियल पीडीएफ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और उसको यूज करते हुए ट्वेंटी जून के इस आर्टिकल को आप पढ़ सकेंगे बिकॉज ये दिया होगा उसी एडिटोरियल पीडीएफ लिंक में ट्वेंटी सेवन जून के पीडीएफ में नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू एंड हियर इट कम्स फॉर यू सो गाइस व्हाट्स द वॉट्सियम फॉर द वर्ड फीबल? बताओ भाई फीवल का एंटोनियम क्या हो जाएगा योर टाइम नाउ थर्ड इज एगेंस गाय Twenty seconds more, guys. Hurry up. Okay, last ten seconds. Hurry up. Okay, the time is up. तो so, देखो ये देखिए मुझे बहुत खुशी है कि लोग ने बहुत ही जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया है एंड पीपल मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली एज वेल ओके तो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट द आंसर एंड द आंसर इज वेल इट इज क्या आंसर है कंप्यूटर जी कैन वी हैव द आंसर प्लीज ओके लग रहा है कंप्यूटर जी अभी भी सोच रहे हैं देखो क्या चीज है जो एलिंग है एलिंग बंदे को बोलते हैं? ऑप्शन फ्रॉम डिजीज इज यू नो वेरी कमजोर और जो एजेड है ये हम बोलेंगे किसी बड़े ही वृद्ध इंसान को ठीक है तो जो आपका एलिंग है फ्राजिल है एंड एजेड है ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं एंटोनम दीन्स दी एंटोनम पॉसिबल ओवर हियर इज फर्म करेक्ट आंसर कमरजी कैन बी मूव फॉरवर्ड प्लीज क्या हम आगे बढ़ सकते हैं ओके थैंक यू तो फाइनली कमर जी भी समझ गए हैं ऑप्शन नंबर फोर ही होगा इसीलिए मैं कहता हूं यू नो कम लेट्स मूव फॉरवर्ड अब आगे देखते हैं ओके okay. देखो क्या चीज है अदर आर्टिकल्स फॉर रिव्यू ऑन ट्वेंटी ऑफ जून तो सत्ताईस जून का जो बाकी का आर्टिकल है वो यहां पर देख लेते हैं हम लोग देखो कि पहला है मेंडिंग द रिफ्ट ओके सी ंडिंग द रेट इज रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया और भारत की जो दिक्कत चल रही है उसको कैसे खत्म की जाए देन अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक इन एस एस ये सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फिर अगला है अ अंट्रोवर्शियल इनहेरिटेंस वंस अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू बैंक एनस पॉइंट ऑफ व्यू इन अनदर कोर्ट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है द पैथोलॉजी ऑफ लेंसिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ओल्ड न्यू टैक्स दिस इज अ गुड आर्टिकल फॉर बैंक इन एस एस सी इसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है और फिर अगली बात है एन एंटीडोट टू हेट अच्छा ओके okay. अब देखो कंप्यूटर जी की नींद हो सकता है इसलिए आ रही हो कि माइट बी यू नो फ्रॉम द कॉमर्स कंप्यूटर जी जो है वो शायद कॉमर्स सेक्शन हो तो हो सकता है कि उन लोगों को उनको यूनिवर्स और गलीलियों देख के थोड़ी सी नींद आ रही हो कोई बात नहीं इट हैपन ठीक है नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि आज का आर्टिकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ट्वेंटी एट जून कम्स कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन गाइज नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल पीसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन नाउ सी दिस इज रिगार्डिंग दिस इज डेडिकेटेड टू द कॉमर्स गाइज एग्जैक्टली ये जो आर्टिकल है ये कॉमर्स लोग के लिए खाद करके है तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर जी और बाकी के लोग इसमें पूरा इंटरेस्ट लेंगे देखो ये जो आर्टिकल है दिस इज एक्चुअली रिगार्डिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ओके और इसमें कहीं ना कहीं आपको एनपीए का वर्णन भी मिलेगा

हमारे जैसे कि हमारे घरों में देखो क्या होता है अब आई डोंट नो जिनके भी जॉइंट फैमिली होगी उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी मेरे टाइम मेरी भी एक टाइम पर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो उसमें होता क्या है अगर कोई बंदा उसमें कोई भी मतलब खास करके कोई छोटा बच्चा जो है अगर वो गिर गया उसको चोट लग गई तो मार एकदम ये इमीजिएटली इट वॉज़ एक्चुअली अ वेरी बिग इमरजेंसी है ना और घर में उस टाइम पर ताऊ ताई चाचा चाची और मतलब जितने भी लोग मौजूद है भैया भाभी सब जो काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के इमीजिएटली छोटे बच्चे के पास आ जाते थे और सबके पास अलग अलग सोल्यूशन कोई पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर क्रीम लगा रहा है कोई हल्दी लेके आ जाता है कोई कुछ लेके आ जाता है कोई मिर्चा मिर्चे का पाउडर लेके आ जाता है मतलब एवरीबडी देयर ओन साइंस और हर कोई जो है उस छोटे बच्चे के चोट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है ठीक है तो कुछ वैसा ही सिनाइए हो रखा है इस मामले में जो छोटा बच्चा हो रखा है वो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम और जो चोट उसको लगी है वो चोट है एनपीए वाली ठीक है तो क्योंकि ये एनपीए की चोट इतनी ज्यादा गहरी हो रखी है तो जितने भी रेगुलेटर्स हैं हमारे देश में हर कोई लगा हुआ है अपना अपना हल्दी और वहां पर जो और एकदम बोलते मिर्चे का मसाला और अलग क्रीम लगाने में ठीक है केस और मतलब मम्मी तो मतलब एक्सट्रीमली कंफ्यूज एग्जैक्टली चूज किसको करें क्या करें क्या, करे, क्या, क्या लगाए क्या लगाए तो वही चीज है अच्छा किसने लिखा सर माँ कहा प्राइमरी चूजर एनी anyway, सी So you see the thing is the point is that you know over the last few years barely a few ca barely as a week has gone by and almost every legislator every regulator has come forward with with its own you know with its own measures to help resolve India's problem of large and extremely big NPAs. Now these announcements are usually accompanied by endorsements from the government as determined reminders of that the resolution of the NPA problem is on the top of government's mind and then. Why डन एनपीए सीम इन ट्रैक्टेबल ओके अब देखा जाए भाई तो ये जितने भी मतलब अनाउंसमेंट होते हैं ना रेगुलेटर्स से वो अनाउंसमेंट ऐसे होते हैं कि मतलब गवर्नमेंट वो अपना पहले रेगुलेटर आया वो बताया कि देखो हम ये, ये करेंगे वो वो करेंगे ये, ये करेंगे वो भी करेंगे और उसके बाद 10 मिनट बाद गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का बयान आता है कि देखिए एनपीए हटाना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राथमिकता है और इसीलिए हमारे ये रेगुलेटर भाई ने ये बोला है फॉर एग्जाम्पल एज से आर बी गिव्स आउट समथिंग यू नो ब्ला दिस इज न्यू न्यू स्टेप्स एंड वी विल इम्प्लीमेंट दिम फॉर रिमूविंग दी एनपीएस ओके देन बैक टू यू सर तो गवर्नमेंट उसके बाद दस मिनट बाद बोलती है देखिए एन पी ए जो है ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसको हटाने के लिए आर बी आई सामने आई है उसके बाद फिर क्या होता है फिर से भी कुछ आती है सामने और से भी कुछ बोलती है रिपीट द सेम लाइन सो यू नो सो हैपेंस इज वन अ पर्टिकुलर रेगुलेटर इट अल्टीमेटली वंस अगेन गोस बैक टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट वंस अगेन री द पब्लिक दैट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज टू डील विद नाउ डिस्पाइट रेग्युलर एक्शन बायो डिस्पाइट सो मच एक्शन इन दिस पर्टिकुलर एक्शन मूवी मोर एक्शन दैट मिथुन चक्रवर्तीज एक्शन मूवीज एनी तो मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा एक्शन हो रहा है कि ये मिथुंदा की एक से एक एक्शन फिल्मों को फील कर रहा है लेकिन उसके बावजूद एक्चुअल इफेक्ट जो है वो मिथुंदा के एक्शन से कम है क्यों कहने का मतलब ये है कि इतना एक्शन तो हो रहा है रेगुलेटर्स भी एक्शन दे रहे हैं सरकार भी आश्वासन दे रही है उसके बावजूद जो एनपीए है वो घट नहीं रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है अच्छा अब आगे देखते हैं आई होप गाइस कि आप मेरा दर्द यहां समझ रहे हैं मुझे जो यहाँ पर कष्ट जो हो रहा है एनपीए को देखते हुए वो भी आप समझ रहे होंगे चलो अब आगे समझ लेते हैं एंड व्हाई हैव इंडियन रेगुलेटर्स नॉट येट रिजॉल्व अ केस दैट कैन बी शो कास्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट द रीसेंट रेगुलेटरी मेजर्स कैन अचीव लेकिन तब भी जो है कहने के लिए तो मतलब चाची और फूफा और फूफी और ताऊजी जी और ताई जी और भैया और भाभी सबके पास अलग अलग इलाज होते हैं चोट को ठीक करने के लिए लेकिन उनमें से किसी के पास भी प्रूफ नहीं होता है कि ये चोट बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाएगी उनके सोल्यूशन से तो वैसे ही देखा जाए तो रेगुलेटर्स जो हैं अलग अलग रेगुलेटर्स जो हैं वो एक से एक मतलब बता रहे हैं कि विल डू दिस एंड विल डू दैट एंड वील डू दिस विल डू दैट लेकिन प्रैक्टिकली उनका वो जो बताया हुआ सेट ऑफ स्टेप्स है क्या वो इंडियन सिस्टम में काम करेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी वो नहीं दे पा रहे हैं और इसका कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल भी वो नहीं दे पा रहे हैं नाउ सी द प्रॉब्लम इज दैट द रेगुलेटर्स द सेट ऑफ स्टेप्स जस्ट बाय द रेगुलेटर्स इज गुड दैट्स वेरी गुड यू नो दे इट शोज द इंटेंशन दैट दे वांट टू हेल्प बट इज देयर एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे कैन साइड सी दीस सेट ऑफ स्टेप्स हैव वर्कड ओवर देयर एंड दैट इज व्हाई इट शैल आल्सो वर्क इन द इंडियन सिस्टम This, is there any kind, this kind of example? no, the answer is a big no. there is no such example. now, the latest announcement came from the securities and exchange board of india, which said that that companies that are pursuing acquisitions as part of the resolution plans approved under the insolvency and bankruptcy code 2016 would be exempted from open offer obligations, typically applied under indian takeover regulation. और इसने तो दागा है वो उन्होंने ये कहा है कि जब भी अगर कोई नई अब कोई टेकओवर होगा और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड जो है इसको देखते हुए होगा तो कंपनी जो है इसको कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एग्जामेशन दिए जाएंगे लेकिन क्या ये स्टेप्स कहीं काम किए हैं अगर हम इस प्रैक्टिकल सबूत की बात करें तो सबूत नहीं है सेवी के पास ऐसे किसी भी पर्टिकुलर चीज को काम करवाने के लिए सो इज देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थ्रू विच सेवी कैन रियली से दैट वट एवर स्टेप्स इट वट एवर अनाउंसमेंट इज रिसेंटली डिड रिगार्डिंग द एक्विजिशन एक्विजिशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यू नो विच वुड एक्चुअली गिव सम एग्जाम्शन टू द कंपनीज विच डू एक्विजिशन इज देयर एनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस नो देर इज नो सो गैस आई होप कि आप लोग यहां पर मेरी बात को समझ रहे होंगे और साथ ही में समझते हुए नाउ यू आर रेडी टू फेस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन सो आई यू गैस रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन वेल द क्वेश्चन इज रेडी एंड हेर इट कम्स फॉर यू सो व्हाट्स द स्नोनिम फॉर द वर्ड इनट्रैक्टेबल बताओ भाई इनट्रैक्टेबल का स्नोनम क्या हो जाएगा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ हरी अप गाइस गायस सेकंड्स Okay, twenty seconds more, guys. What's the answer? Hurry up. Last ten seconds. टाइम एज अब अच्छा अभी कोई लिख रहा था सर यू आर ग्रेट अरे भैया ऐसा मत लिखा करो समझे देखो ऐसा तुम लोग लिखते हो उसके बाद हमारा मन भहक जाता है सी वी आर नॉट ग्रेट

और वो लगातार चले लेकिन अब आप, आपको ऐसा लगता है कि सर तो लेट हो रहे हैं सर को सामने सामने सारी बेजती दिख रही होती है जो कि आप वहां कर रहे होते हैं एनी वेज चलो अब देखते हैं हम लोग यहां पर सही जवाब क्या है एंड इट कम्स वेल इट्स ऑप्शन नंबर टू डिफिकल्ट जो है अब देखो कंप्यूटर जी का मैंने कहा ना पक्का कंप्यूटर जी कॉमर्स वाले हैं देखो इस बार नहीं फंसे एनी वेज तो देखो क्या चीज है इंट्रैक्टेबल का जो एक्चुअली में मीनिंग होता है वो होता है डिफिकल्ट और कुछ वैसा इंटोनम में दिया हुआ है यहां पर ओके okay, तो जो अब देखा जाए जो बाकी के ऑप्शन है मैनेजेबल ईजी मैनेजेबल हुआ इजी हुआ तो फिर वो इंट्रैक्टेबल का इंटोनम हो जाएगा वो यहां पर नहीं आएगा एंड द करेक्ट आंसर वुड बी वेल ऑप्शन नंबर टू डिफिकल्ट कोई लिख रहा है सर प्लीज रिप्लाई माय मेल मतलब ले भैया अरे दद्दा 500 के ऊपर मेल डेली रिप्लाई करने होते हैं, मेरी कोई सेक्रेटरी भी नहीं है समझा करो दोस्त, अपना काम खुद करना पड़ता है, इसीलिए। हाँ। yes, अभी रिसेंटली इन कोलकाता तो यू नो दैट हो सकता है कि अभी कुछ आपके मेल्स बाकी हो तो खैर आई एज पॉसिबल वेल आई होप सेशन था वो मजा आया होगा एंड यूडॉय सार्टी में आपको जो भी आर्टिकल्स पढ़ने हो यू you नो know, जो भी आर्टिकल का थीम समझना हो उसको समझने के लिए डू टेक अ लुक एट द एडिटोरियल पीडीएफ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो मैं ऐसे नीचे तरफ पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के नीचे ही जो है डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का उसी में दिया हुआ है एडिटोरियल पीडीएफ लिंक उसमें आपको ट्वेंटी सिक्स जून ट्वेंटी सेवन जून एंड ट्वेंटी एट जून तीनों आर्टिकल्स के जो भी यहां पर पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे एडिटोरियल्स के और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं सर रिप्लाई में मेरा जरूर रिप्लाई कर देंगे भैया अब क्या मतलब एकदम ज्यादा बार बार रिप्लाई रिप्लाई जा रहे हो कर देंगे भाई जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना उनको भी रिप्लाई कर देंगे डोंट वरी सो गाइज द थिंग इज कीप इन्जॉयंग वॉचिंग हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल एंड कीॉचिंग एन टू फर से विद गवर्नमेंट जॉब इज राइट पॉकेट गुड नाइट रात्रि एंड शब्बा खेर